भैया नमस्कार, मैं संजय अंबेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं काफ़ी समाज से सक्रिय मिशनरी सिंगर प्रियंका बौद्ध जी। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका कब से मन बना समाज में इस तरह का गाना गाने का, और उनका जीवन परिचय क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका बौद्ध है, मैं मिशन गायिका हूँ। और मैं जब हाई स्कूल में पढ़ती थी तब से मैंने बाबा साहेब के विचारों को पढ़ा, जाना, समझा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाऊंगी, आगे लेकर चलूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा मंच पे, और मैं अपने गायकी के माध्यम से बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करती हूँ। मैं चाहूँगा कि आप जो है मेरे दर्शकों को लिए जो है एक गाना सुनाइए जो सबसे सुपर हिट आपका गाना हो। जी, मैं सुनाती हूँ तथागत गौतम बुद्ध की एक गीत है जो भोजपुरी में हम अक्सर मंच पे गाते हैं। अव भगवान बुद्ध जी हर बिनती हमार बाबा साहेब के हमरे, और बाबा साहेब के रे हमरे, आया जिदर बार बाबा साहेब के हमरे, लागल दर बार बाबा साहेब के हमरे, अपने तो बुध जी साहिब के लिए हो, दलितन के नैया नाथ एक बेर बचाई हो, प्रियंका बोध के असरा तो हर बाबा साहेब के हमरे, लगल दर बार बाबा साहेब के हमरे। आपके पास कोई ऐसा गाना हो जो हिंदी में हो, जो हमारे लोग इधर हैं हिंदी में ही सुनना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास हिंदी गाना है जो माननीय कांसीराम साहब का है, आपको सुना रहे हैं। आचरण में तो हम ढाल पाए नहीं, आचरण में तो हम ढाल पाए नहीं, गीत बाबा के गाने से क्या फायदा, आचरण में तो हम ढाल पाए नहीं, गीत साहिब के गाने से क्या फायदा, आचरण में तो हम ढाल पाए नहीं, गीत साहिब के गाने से क्या फायदा, संगठन के बिना हम हैं बिखरे हुए, संगठन के बिना हम हैं बिखरे हुए, फिर ये मेले लगाने से क्या फायदा, संगठन के बिना हम हैं बिखरे हुए, फिर ये मेले लगाने से क्या फायदा। आप कहाँ से हैं जो निकल के आते हैं, किस धरती से? जी मैं गाजीपुर जिला से हूँ, और मेरा गांव जो करुई पड़ता है, करुई जिला, और गाजीपुर जिला से हूँ मैं। हम लोग आज इस प्रयागराज में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे हम लोग 6 दिसंबर को उपस्थित हुए हैं, और हम लोगों के बीच जो है अगर कोई मिशन को जगाया और अगर कोई मिशन को 61 में गाने का काम किया, हम लोगों के बड़े ही मार्गदर्शक मिशनरी तारकेश्वर राव टंडन बलमुआ जी, उनके साथ हम लोग इस प्रयागराज में उपस्थित हैं। और भैया ने ये जो गीतों के माध्यम से मिशन को गवाने का काम किया, स्वयं जो है गाने का काम किया, ये समाज को जगाने का काम किया, बहुत ही हम भैया का जो है जय भीम साधुवाद कहते हैं। और आज हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, कहते हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। कहना पड़ता है कि सबके हक में सब था, अपने हक में क्या होता, सबके हक में सब था, अपने हक में क्या होता, सबके हक में रब था,
अपने हक में क्या होता, सोच सोच कर जी घबराए, दशा दिशा कैसी होती, ना होते बाबा साहब बी आर अम्बेडकर तो अपने हक में क्या होता, अपने हक में क्या होता। ये हम लोग परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे इस प्रयागराज में 6 दिसंबर को हम बड़े भैया तारकेश्वर राव टंडन बलमुआ जी के तरफ से और इस प्रयागराज में उपस्थित हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी देशवासियों को जय।